प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हमारे देश में प्राचीन काल से ही शिक्षकों को, गुरुओं को एक सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और हमारे देश में ऐसे कई आदर्श शिक्षक हुए हैं जिन्होंने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया और हमें प्रेरणा दी। तो आइए बच्चों, आज हम उन आदर्श शिक्षकों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए जानें हमारे भारत के आदर्श शिक्षकों के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर राजा कृष्णा सर्वपल्ली है। हैप्पी टीचर डे। मेरा नाम सरस्वती भाई फूले है। हैप्पी टीचर डे। शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो छात्रों को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। सपने वो नहीं जो आपको सोते समय दिखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बच्चों, 5 सितंबर सन 1888 तमिलनाडु में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ। वे बचपन से ही बड़े उत्कृष्ट एवं कुशाग्र छात्र थे। आगे चलकर वे महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद बने। शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए और सन 1954 में उन्हें भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बच्चों, उन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया और वे कहते थे कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों, आज के दिन हम भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फूले जी को कैसे भूल सकते हैं, जो एक महान समाज सुधारक व कवित्री भी थी। और बच्चों, उन्होंने बालिकाओं के लिए कई विद्यालय खोले। उनका कहना था कि चौका बर्तन से कई ज्यादा जरूरी है पढ़ाई। और उन्होंने ये संदेश दिया, चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, अब नहीं वक्त गंवाना है। बच्चों, मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न से सम्मानित मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बेहतरीन शिक्षक भी थे। वे कहते थे कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको नींद आने ही न दें। और वे कहते थे कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में सदैव याद रखें। प्यारे बच्चों, एक और महान और आदर्श शिक्षक थे स्वामी विवेकानंद जी। उनका ये आदर्श वाक्य, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा और ये आदर्श वाक्य सदैव याद रखा जाएगा। उनका कहना था कि बालक व बालिका दोनों के लिए ही समान शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो उनके चरित्र का निर्माण करे एवं उनके शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास को भी बढ़ावा दे एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। गुरुदेव की उपाधि से सम्मानित राष्ट्रीय गान निर्माता एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी एक शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति का समग्र विकास करे। और शिक्षा पाठ्यक्रम से ही नहीं, सीधे स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ नैतिकता का पाठ शिक्षा में अवश्य होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ आदर्श शिक्षक जिनके द्वारा हम सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। और एक बार पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।